Hello everyone, so I am back with the lecture number 2 of the chapter number 4, Indian Freedom Movement and National Awakening in Assam. So I have already introduced this chapter in the previous video, you can check it out. So today we will be starting with Oxomiya Bhakha Unnati Sadhini Sabha. Alright. Today I will take up this topic only, and also I would like you to tell about the Telegram channel. I will be providing the link in the description. In the Telegram channel, I share quizzes as well as tips, okay, how to overcome anxieties related to exam, also give some advices, okay. So keep following this channel, as well as you can subscribe to the Telegram channels for more updates and all. Okay, so let us begin the chapter. Okay, so this is history, class 10 Seba board. तो हम लोग ने introduction में देख लिया कि कैसे असम में धीरे धीरे national awakening हो रहा था. Okay. सो जो ये टाइम पीरियड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. ओके, व्हाई? बिकॉज बिफोर दैट ऑलरेडी स्कूल्स एस्टैब्लिश हो गए थे, इंग्लिश एजुकेशन ऑलरेडी फैल चुका था इंडिया में, लाइक वाज असम में भी बहुत हद तक. तो जिसकी वजह से जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो उभर रही थी. ओके, पीपल वेर बिकमिंग मोर एजुकेटेड. और एजुकेशन का मतलब है अवेयरनेस होना, चीज़ों के बारे में डीपली सोचना, ना कि उसको जैसे कि तैसा अपना लेना. ओके, सो दिस वॉज द चेंज कमिंग बिकॉज ऑफ एजुकेशन. ओके, और फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड वॉज द ग्रोथ ऑफ नेशनल अवेयरनेस. सो वी कैन से दैट दिस बोथ वेंट हैंड इन हैंड, नेशनल अवेयरनेस भी उस टाइम पे आ गया. एज अ रिजल्ट द न्यू मिडिल क्लास मेड एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज इट्स सेल्फ. तो मैंने ये पहले भी बता दिया कि नेशनल अवेयरनेस आ गया, दे वर एजुकेटेड, सो दे वॉन्टेड टू ऑर्गेनाइज देम सेल्फ इन टू सम सभा समिति, ऐसे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो अगर असम की बात करें, असम से रिलेटेड कोई भी इंडिविजुअल या पर्सनैलिटीज़ की बात करें, तो सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एसोसिएशन फॉर्म हुआ था तो वो था ज्ञान प्रदायिनी सभा. And it was initiated by Anandaram Dekyal Phukon and Gunavi Ram Barua in 1857. So these two personalities are very important, okay, in Assam history. They are much respected. Bahut respect hai inka. So you must remember this fact that Gyan Pradayini Sabha was one of the earliest association which was initiated by Anandaram Dekyal Phukon and Gunavi Ram Barua in 1857. सो आनंदराम देकियाल फुकन बहुत ही अपोज्ड थे, स्ट्रांगली अपोज्ड करते थे कि बंगाली लैंग्वेज जो है असम के स्कूल्स, ऑफिसेस और कोर्ट्स में इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, इन द प्लेस ऑफ एसमिस इन 1836. ओके, मैंने इसकी वजह पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि एसमिस, आई थिंक आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर दैट इन अर्लियर टाइम्स. ओके, तो एसमिस एंड बंगाली को एक ही लैंग्वेज मानते थे, ब्रिटिशर्स स्पेशली. दे यूज टू थिंक दैट एसमिस लैंग्वेज इज़ जस्ट अ डायलैक्ट. ओके, डायलैक्ट, आई होप यू नो वट डज इट मीन, इफ यू डोंट नो प्लीज सर्च इट. ओके, सो डायलैक्ट, दे यूज टू से दैट एसमिस लैंग्वेज इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम बंगाली लैंग्वेज एंड इट इज़ जस्ट अ dialect, a different dialect of Bengali language itself. Okay, so but Assamese people, obviously they were not very much pleased with that ki Bengali language ko status mil gaya hai in place of Assamese in 1836. तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, कंसिक्वेंटली देर वॉज हीटेड डिबेट इन प्रेस रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ द एसमिस लैंग्वेज एंड री एस्टाब्लिशिंग इट इन स्कूल्स एंड ऑफिसेज. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे ही जैसे एजुकेशन भी हो रहा था, पीपल वेर फॉर्मिंग एसोसिएशंस एंड देवर ऑल्सो राइटिंग, राइटिंग पे बहुत
स्ट्रेस दिया जाता था तब, क्योंकि आइडियाज़ वैसे ही कम्युनिकेट होते थे। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपने ओपिनियन व्यूज़ रखते हैं, उस टाइम पे वी आर टॉकिंग अबाउट 19th century। ओके, सो उस टाइम पे मेन जरिया क्या था, लोग अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुँचा सके थ्रू राइटिंग। ओके, राइटिंग इन न्यूज़पेपर, सो इट वॉज ऑल टूगेदर नोन एज प्रेस। फिर उसमें बहुत ही डिबेट डिस्कशंस होता था कि एसमिस लैंग्वेज को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देना चाहिए। ओके, एंड इट शुड बी री इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल्स एंड ऑफिसेस। ओके, सो दिस मूवमेंट फॉर द एसमिस लैंग्वेज इवेंचुअली लेड टू द ग्रोथ ऑफ कल्चरल रीजनरेशन इन असम। सो इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कि हीटेड डिस्कशंस एंड डिबेट हो रहे थे, सो इट लेड टू द कल्चरल रीजनरेशन ऑफ एसमिस लैंग्वेज, या फिर लिटरेचर, या फिर कल्चर, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो लोग दे यू नो रीजनरेशन मतलब कोई चीज़ फिर से उभर के आना। ओके, लोग भूलते जा रहे थे एसमिस लैंग्वेज को, उसके कल्चर को। तो फिर इन लोगों ने ट्राई किया कि नो, वी शुड ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल द ब्यूटी ऑफ एसमिस लैंग्वेज, द एसमिस कल्चर, टू शो केस टू द वर्ल्ड वट एसमिस कल्चर रियली इज़। ठीक है, तो वैसा टाइप का चीज़ है। ओके, सो इट वॉज ओनली इन 1873 द एसमिस लैंग्वेज वॉज री एस्टाब्लिश्ड। सो 1836 डेट याद रखना, 1836 में बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था इन प्लेस ऑफ एसमिस, बट ड्यू टू डिबेट एंड डिस्कशन एंड ऑल दैट प्रेशर, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से 1873 में एसमिस लैंग्वेज को वापस से उसको एक कोर्ट लैंग्वेज, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो बना दिया। ठीक है, सो हाउएवर इन द प्रोसेस लैंग्वेज बिकेम अ मार्कर ऑफ एसमिस नेशनलिज्म। सो ये लैंग्वेज के थ्रू ही एक एसमिस नेशनलिज्म की जो भावना है वो जागी थी, दैट वी शुड ट्राई टू अपलिफ्ट आवर एसमिस लैंग्वेज, ऐसी लोगों के मन में भावना जागी थी। ओके, सो एक और बात ध्यान रखने वाली है कि उस टाइम तक असम में कोई भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस नहीं बने थे। ओके, कॉटन कॉलेज बहुत बाद में आया था 1901 में, तो उससे पहले तक कोई भी ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं था, सिर्फ स्कूल एजुकेशन था। स्कूल एजुकेशन के बाद जो थे, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यूज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू कलकत्ता फॉर स्टडी, एंड कलकत्ता उस टाइम पे वॉज द हब ऑफ, चाहे कह लो इंडिया का कल्चर, इट वॉज़ द कैपिटल, वहाँ पे बहुत सारे तरीके की लिटरेचर हो रही थी, नेशनल अवेकनिंग हो रही थी। सो इट वॉज़ द वन ऑफ द यू नो इंडिया का टॉप जगह थी। जैसे कि आज सब लोग इस टाइम पे सब लोग दिल्ली जाना पसंद करते हैं फॉर हायर स्टडीज़, फॉर इवन जॉब्स, यू नो। ठीक है, तो फॉर हायर स्टडीज़ एट दैट टाइम इट वॉज़ कलकत्ता। ओके, सो फिर तो नेक्स्ट फेज, ये तो फर्स्ट फेज हो गया कि जो आपका पहला पैराग्राफ है फर्स्ट फेज के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ सेकेंड फेज़ के बारे में बता रहा है कि कैसे कैसे अभी और स्ट्रॉन्ग होता गया एसमिस लैंग्वेज नेशनलिज्म। ओके, एसमिस कल्चर के को बढ़ावा देने के लिए कैसे कैसे लोगों के मन में और इच्छा जागी। ठीक है, इन कलकत्ता वी फाइंड मोर स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम असम टू फॉर्म एसोसिएशंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एसमिस लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म करना चाहते थे वो लोग एसमिस लैंग्वेज का, दे वांटेड टू इम्प्रूव इट, दे वांटेड टू कंट्रीब्यूट टू द लिटरेचर। ठीक है, पोएम्स, नोवेल्स, ये सब लिखना चाहते थे वो लोग, ताकि लोग एसमिस लैंग्वेज को और पहचाने, या फिर जो एसमिस जो जनता है वो अपने लैंग्वेज के प्रति प्राउड फील करे। ओके, तो उस टाइम पर बंगाली लिटरेचर काफ़ी पढ़ा जाता था, इन्फ्लुएंस बहुत हैवी था लोगों में। ठीक है, तो दिस पीपल दे वॉन्टेड दैट कि असम में इस लैंग्वेज को अगर बचाना है तो दिस इज़ द ओनली वे आउट, दैट वी राइट इन एसमिस। ओके, वी राइट स्टोरीज, वी क्रिएट पोम्स इन एन एसमिस लैंग्वेज एट्सेट्रा। ओके, सो आप आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। बुक में ऊपर से दिया हुआ है, आई एम गिविंग यू द मोर डिटेल्स ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ओके, एंड उसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो समझ में आए, दैट इज़ हाउ यू थिंक इन हिस्ट्री, दैट इज़ हाउ यू लर्न हिस्ट्री एक्चुअली। ओके, एनी वेज लेट अस कंटिन्यू। सो द फर्स्ट नोन एसोसिएशन फॉर्म्ड इन कलकत्ता वॉज द एसमिस लिटरेरी सोसाइटी एस्टाब्लिश्ड इन 1872 अंडर द लीडरशिप ऑफ देवीचरण बरुआ एंड गंगा गोविंद फुकन।
ओके, दिस इज सिंपल फैक्ट, नथिंग टू एक्सप्लेन. द प्रोक्लेम्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी वॉज लिटरेरी, सो इट वॉज अ लिटरेरी ऑब्जेक्टिव, नॉट पॉलिटिकल. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड पॉलिटिकल, बट इट ऑल्सो प्लेड अ पॉलिटिकल रोल, ऐसा भी बोला गया है, लेकिन ज़्यादातर ये लिटरेरी था. इन 1872 टू ऑफ इट्स इलास्ट्रियस मेम्बर्स, जगन्नाथ बोरुआ, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब के, याद रखना, जगन्नाथ बोरुआ एंड मनिक चंद्र बोरुआ ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी सबमिटेड अ मेमोरेंडम टू वाइसरॉय लॉर्ड नोटब्रुक अपीलिंग टू टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ असम एंड लिंकिंग असम विद बंगाल बाय रेलवे. द सोसाइटी वॉज एक्टिव टिल 1885. तो इसमें बोला गया कि लिटरेरी रोल प्ले करते थे, तो इसमें बोला गया कि पॉलिटिकल रोल और क्या था. ओके, एंड अदर रोल भी था, वो लोग सिर्फ लिखते नहीं थे, वो लोग लिटरेरी सोसाइटी इवन दो इसका नाम है, बट स्टिल तो एग्जांपल एक दिया हुआ है कि 1872 में जगन्नाथ बोरुआ और मणिचंद्र बोरुआ ने क्या क्या सोसाइटी के बिहाफ में एक मेमोरेंडम, एक लिखित में एक मेमोरेंडम सबमिट किया वाइसरॉय एंड लॉर्ड नोटबुक उस टाइम पे जो थे इंडिया के, और उन्होंने अपील की उनसे कि असम में नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप कर देना चाहिए फॉर द गुड ऑफ द पीपल. ओके, एंड असम को बंगाल से जोड़ देना चाहिए थ्रू रेलवे लाइन. ठीक है, और ये सोसाइटी 1885 तक ही एक्टिव रही. ओके, नॉट मच टाइम, 1872 से 1885 तक, वेरी लेस टाइम, बट स्टिल इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट फेज. ओके, ये सेकेंड फेज है. अगर अभी हम लोग थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट फेज में जा देखते हैं. ओके, तो अभी आएगा अहोमिया भाखा उन्नति साधनी सभा की एक्चुअल फॉर्मेशन की स्टोरी, ये सब बैकग्राउंड था. ओके, सो विद द ग्रोइंग अटैक्स ऑन द एसमिस लैंग्वेज, द बंगाली प्रेस, द एसमिस स्टूडेंट्स इन कलकत्ता फेल द नीड टू ऑर्गेनाइज अ एसोसिएशन टू एनरिच द एसमिस लैंग्वेज एंड लिटरेचर. कंसिक्वेंटली इन 1888, ओके, ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अहोमिया भाखा उन्नति साधनी सभा, ओके, नाम से ही पता चल रहा है आपको कि एसमिस लैंग्वेज की उन्नति चाहते थे वो लोग, वॉज फॉर्म्ड एंड दी सून मेच्योर्ड इनटू अ लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एबल गाइडेंस. ओके, सो इट वॉज फॉर्म्ड इन कलकत्ता. ठीक है, एसमिस लैंग्वेज एंड लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए. और ये जो नाम है, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर नोन एज द स्टालवर्ट्स. ठीक है, बहुत ही इमेंस रिस्पेक्ट के साथ इनको देखा जाता है, ये सब आपके सामने जो भी नाम आएंगे इनको याद रखना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जो मोस्ट ऑफ द एनरिचमेंट ऑफ एसमिस लिटरेचर जो हुआ था वो इनके द्वारा हुआ था. ऑलराइट, सो नाम क्या क्या थे देखिए, हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेसबोरुआ, आपने ज़रूर सुनी होगी लक्ष्मीनाथ बेसबोरुआ की कहानियाँ के बारे में, भूरियार खादूर जिसको बोलते हैं, कोका देवता एंड नाती लोरा, ये सब बहुत ही फेमस पॉपुलर चिल्ड्रन की फोक टेल्स हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज कनकलाल बरुआ, रामकांत बरकाकती, चंद्रकुमार अग्रवाला. ओके, सो दीज आर द पीपल. द अहोमिया भाखा उन्नति साधिनी सभा अराउज्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड नेशनल अवेयरनेस अमंग्स द एसमिस टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस फॉर दी एसमिस लैंग्वेज. तो अहोमिया साधनी सभा अपने राइटिंग्स के द्वारा एसमिस पीपल के अंदर एक यू नो सेंस ऑफ आइडेंटिटी उजागर कर रही थी. ओके, ए प्राइड फीलिंग कि हाँ, हमारे एसमिस लैंग्वेज भी एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है. ऑलराइट, बहुत ही रिच लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को और डेवलप करने के लिए एक साइंटिफिक और एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म देने के लिए उन्होंने क्या किया. ओके, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया कि उनको एक स्टैंडर्डाइज ग्रामेटिकल सिस्टम वो लोग डिवाइस करेंगे. ठीक है, सो किसी भी लैंग्वेज की जो बैकबोन होती है वो ग्रामर होती है. अगर आपकी ग्रामर सही नहीं है तो वो लैंग्वेज भी आपकी सही नहीं होती है, वो इट्स जस्ट लाइक अ रफ लैंग्वेज, यू नो. सो या, ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लैंग्वेज, उसकी आइडेंटिटी, उसकी बैकबोन होती है. सो एज मिस लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज फॉर्म करने के लिए उसके कुछ रूल्स एस्टैब्लिश किए गए, जिसको हम एसमिस ग्रामर के रूप में जानते हैं. ओके, सो उन्होंने क्या किया था, सभा टुक द इनिशिएटिव ऑफ अडॉप्टिंग अ करेक्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड ग्रामेटिकल सिस्टम इन ऑल द वर्नैकुलर स्कूल्स ऑफ असम. सो वर्नैकुलर स्कूल्स
I hope you know what does vernacular means, local language. It was not the medium was not English. It was medium was local language, that is Assamese language. Vernacular medium, जैसे कि आप लोग कोई बहुत लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे तो वो इंग्लिश इंग्लिश मीडियम स्कूल बोला जाएगा. अगर आप में से कोई वर्नैकुलर मीडियम में पढ़ रहा है, इट मे बी आइदर यू आर स्टडिंग इन हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो आप या फिर एसमिस मीडियम स्कूल में, मतलब कोई भी लोकल इंडियन लैंग्वेज में अगर स्कूल होता है उसको वर्नैकुलर बोलते हैं. ऑलराइट, एनीवेज, इट आल्सो डिसाइडेड टू कंपाइल अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल हिस्ट्री ऑफ असम. सो एक और आगे स्टेप लिया गया, लैंग्वेज तो डेवलप हो गई लेकिन अभी असम की हिस्ट्री के बारे में भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट था ताकि वो लोग ये लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके, ये बता सके, एसमिस लोगों के सामने ये रख सके कि असम की एक बहुत ही रिच हिस्ट्री रही है, अपनी एक हिस्ट्री रही है, अपनी एक पहचान रही है, एंड इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन बंगाली लैंग्वेज. ओके, सो एंड टू ट्रांसलेट द इम्पोर्टेंट संस्कृत वर्क्स इनटू एसमिस. ओके, संस्कृत वर्क्स को एसमिस में ट्रांसलेट करने का भी ख्याल आया. इट वॉज ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ द असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा, द गवर्नमेंट अंडरटूक द पब्लिकेशन ऑफ द हेमचंद्र बरुआस मैग्नम ओपस हेमकोश. ठीक है, हेमकोश मतलब ये क्या थी, डिक्शनरी थी, लेक्सिकोग्राफी भी बोलते हैं इसको, लेक्सिकॉन या फिर डिक्शनरी थी एसमिस लैंग्वेज की. तो हेमचंद्र बरुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेमचंद्र बरुआ ने लिखी थी हेमकोश, एंड असमिया भाषा उन्नति साधिनी की सभा की ये सब यू नो एक्टिविटीज़ थी. अब पॉइंट बाय वाइज याद रखना इसको क्या क्या उन्होंने किया था. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, द असमिया भाषा उन्नति सभा यूज टू होल्ड रेगुलर स्कॉलरली डिस्कशंस ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक असम्स हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर एंड लैंग्वेज. सो ऑब्वियसली देयर होल यू नो होल फोकस वॉज ऑन अबाउट असमिस लैंग्वेज एंड कल्चर. इट ऑल्सो सॉट टू एस्टाब्लिश ब्रांचेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ असम. सेवरल, तो अलग अलग ब्रांचेस भी खोली उन्होंने असम में. सो सेवरल एसमिस स्टूडेंट्स हु रिटर्न टू असम आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द स्टडीज इन कलकत्ता फॉर्म्ड ब्रांचेस इन कोहिमा, तेजपुर, डिब्रूगढ़, सिबसागर एक्सेट्रा. सो याद रखिए कोहिमा जो कि अब नागालैंड की कैपिटल है, एट दैट टाइम इट वॉज अंडर असम ओनली. ठीक है, असम रीजन ही था वो सब. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या रहा असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा का, कि उनकी जर्नल जिसका नाम था जोनाकी, जर्नल मीन्स मैगजीन यू नो, सो वो लोग एक पब्लिश कर देते. तो जैसे कि मैं पहले बोल रही हूँ कि दे यूज़ टू राइट, दे यूज़ टू लिटरेरी एक्टिविटीज़ थी, वो किसके थ्रू, ऑब्वियसली जर्नल के थ्रू होती थी, दे यूज़ टू पब्लिश. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कोई भी अगर एसोसिएशन, उस टाइम की एसोसिएशन या आजकल की भी जो एसोसिएशन है, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, लेकिन उस टाइम पे जो भी एक एसोसिएशन होती थी, ऑर्गेनाइजेशन होती थी, मैगजीन इज़ द वे थ्रू विच दे कम्युनिकेटेड देयर आइडियाज़. तो उनकी जर्नल का नाम था जोनाकी, एंड इट अशर्ड अ वेरी वेरी न्यू एरा इन एसमिस लिटरेचर. उसको तो गोल्डन एज भी कहा जाता है. ओके, जब तक जोनाकी पब्लिश हुई थी उसको एक गोल्डन एरा माना जाता है एसमिस लैंग्वेज एंड लिटरेचर का.